नया लिया है तूने? इसका मेरा है। कितनी देर में बना लेता है तू? चार दिन लग जाते हैं। चार दिन है? और कितने बना लेता है, कितने साइड के? मैं दो तीन के सर। एक बार मैं तो ये पूरी दो लिया बनाया था, लास्ट वाली बन रहा है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। स्वागत कर तो चल तू आज। बोल। मैं बोलता हूँ। अरे दिखा यार। बोल। चलो हम दोनों बोल देंगे। बोलो। ये बड़े शर्मिले हैं, तो हमारा बेलजी करेगा स्वागत। चलो मैं कर रहा। बोल। तो स्वागत है आपका। कौन नाम क्या है? कुछ भी कह दे, हिमांशु ब्लॉग कह दे तू तो। तेरा ये बहुत जोश में आ गया भैया। हाँ दोस्तों, ये देखो। अरे भैया बनाई दिया इसे। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नौ सप्ताह बाद जय महाराज जी की। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल अंकित पाठक ब्लॉग में। तो शुरुआत हो रही है आज बेलजी को बाहर घुमाने से ही मेरी। बेलजी रुक जा, क्यों रुक गया? ओ भाई भाई, आराम आराम से चला कर यार। बेलजी क्या करता है? और नेगी जो भला है? अच्छा भैया। अंकल नमस्कार। आ जा आ जा आ जा। देखो देखो, मैं इस दो लीटर को कंप्लीट कर दूंगा। कितनी देर में? जल्दी कर दिखा, मैं तो देखने के लिए। आता ही नहीं है। तुझे आता है? तुझे कितने आते हैं? देखो मैं दो लेयर कर दूंगा, दो लेयर कर दूंगा। कितना टाइम लगाएगा यार जाने तू? ओ बेलजी रुक जा, तू तब तक बना, मैं आता हूँ। ये देखो ताई जी ने तो स्वेटर भी निकाल दी है। ताई अरड़ है गो? ओहो, आज बेलजी को ले आया मैं घुमाने। आज तुम्हारी कुतिया कहाँ है? अंदर है। अच्छा अभी अंदर देख। हाँ भौमो भौमो। हाँ और ताई मजे आ रहे? आजकल घर को नहीं आ रहे हमारे तुम? अच्छा हाँ, ताई के हाथ पे वो प्लास्टर चढ़ा है। अच्छा अच्छा ओके। ए दो मिनट खड़े हो, इसको मुंह नहीं क्यों जा रही? और बढ़िया आना फिर ताई। चलो फिर। हाँ देख लिया, शुरू हो गया उसका। हाँ अरे बेलजी, बेलजी वो तो एक बकरियाँ आ गई। जा रहा हूँ उनके साथ, जाएगा बकरियों के साथ बेलजी। ओ भाई ये बंदर, ये अलग से क्यों कू 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 कर रहा? साइड हो। नो जा, बकरियों के साथ चले जाओ बेलजी। जा रहा इनके साथ, ले जाओ बेलजी को भी हमारे। है बेलजी चलेगा बकरियों के साथ? दोस्तों मुझे और मेरे बैलजी को भाग भाग के आना पड़ा इस बारिश से। देख रहे हो, मैं बैलजी को लेकर घूमने गया था, अचानक से इतनी सारी बारिश आ गई। सारी मतलब बहुत ज्यादा बारिश आ गई। बैलजी बेचारा तो डर के मारे यहाँ सो गया है। क्यूटी भाई और चल रहा घूमने? घूमने चलेगी? और अले बच्ची, ये बेशरम तो तैयार है, इसको आधी तूफान बारिश से कुछ फर्क नहीं पड़ता। और दोस्तों जानते हो 2:30 बज रहे, अब देखता हूँ मैं कुछ खाने वाने का। थोड़ा सा पेट में भूख भूख लग रही। बैलजी कुत्ते को तो खिला दिया, कुत्ते बिल्लियों को पहले खिलाते हैं हम लोग। है क्यूटी, तुम पहले खाती हो ना? खाती हो नहीं खाती हो? अल्ले अल्ले क्यूटी पाई। एक दिन भर मम्मी के बिस्तर में ही रहता है, इसकी भी टंगड़ियाँ टूट गई, बस चल रहा है। देख रहो कैसे हिल रहा है, पोलियो ग्रस्त तो हो गया बेचारा। क्योंकि मम्मी का ये इजी रहता ना, जब मर्जी जहाँ पे इसको रख दिया स्टैंड में, अपना काम करते रही। ये मम्मी की व्लॉगिंग का इक्विपमेंट, ये भी खत्म। और ये रहा छोटा सा पेचकस, इससे मम्मी खोल ली थी इसको, लेकिन फिर बाद में मम्मी के बस का हुआ नहीं, तो मम्मी ने छोड़ दिया ये केतली को। नहीं खुला ना? ओके रसोई में गया, मैं खाना लेना ही भूल गया। वाह ऐसी मेरी बुद्धि हो रही भाई। गॉड कुकर में है ना माही खिचड़ी, आज मम्मी ने बना रखी खिचड़ी। ओ भाई खुल जाए एक तो। एट मुझे ना कुकर बहुत गंदे लगते हैं दोस्तों, कुकरों के ढक्कन नहीं खुलते मुझसे, बहुत दिक्कत देते हैं, तो इसलिए मुझे कुकर बिल्कुल पसंद नहीं है, डेक सही रहते हैं। खिचड़ी मम्मी ने मेरी पसंद की बना रखी, लेकिन मुझे मांस वाली भी अच्छी लगती है, ये भी खा लेता हूँ। मैंने बोला था ना मम्मी को खड़े मसाले डालना, खड़े मसाले के बाद ना जो मजा आता ना खिचड़ी में, भाई बता नहीं सकता मैं आपको। दोस्तों खिचड़ी में एक चीज डालना तो मैं भूल ही गया, ये मम्मी ने ताजा ताजा घी बना रखा, तो थोड़ा सा ये डाल लेता हूँ इस पे। ओ भाई कितना टपक रहा नीचे, मैं ज्यादा घी पसंद नहीं करता, तो मैं थोड़ा सा ही डालता हूँ, हल्का सा फ्लेवर चाहिए, मुझे ज्यादा घी पसंद नहीं है भाई साहब। और मम्मी मैं रात की मिर्च बची होंगी, ये है ये जो छोटे टिफिन के उसमें है। अच्छा हाँ, ये मिर्ची का अचार था ना, थोड़ा सा फ्लेवर चेंज हो जाएगा खाने में, बस भाई खाते हैं अब। और दोस्तों यहाँ चल रही मम्मी की सब्जी कटाई। काई की सब्जी बन रही है आज, बीन की सब्जी, प्याज और बीन। और दोस्तों आज बहुत दिनों बाद, 4-5 दिन बाद आज ना मौसम खुला है यार, क्या मैं चांद दिखा नहीं सकता आपको, चांद यहाँ पे दिख नहीं रहा है। ये देख रहे हो यहाँ सारा खुल गया मौसम, तारे भी दिख रहे हैं, लेकिन मेरा फोन है ना, फोन में दिखते नहीं है तारे वगैरह,
तो भाई साहब आज बहुत बढ़िया हो रखा, देख रहे हो ये दूधिया दूधिया बादल और चांद इतना सुंदर आ रखना आज का। वैसे दोस्तों बोलते हैं कि पूरे साल का सबसे खूबसूरत चांद होता है शरद पूर्णिमा का चांद, और दुर्भाग्यवश होता हम देख नहीं पाए क्योंकि कल भी बादल थे, परसों भी बादल थे, लेकिन अब आज हट गए बादल और बहुत अच्छा मौसम हो रहा। कुछ खाने का है मैं हल्का फुल्का? खीर नहीं खा रहा मैं, खाने नमकीन क्यों नहीं बनाई? नहीं बनाई मैंने, टाइम नहीं मिला मुझे। गप्पे मारने का तो बहुत टाइम होता है तेरे पास, तो तेरे पास भी तो आता है, तू भी बना ले। मुझे नहीं आती। बैल जी, ए बैल जी, नमकीन क्यों नहीं बनाई तूने? सोने देना। बैल जी इधर देखो, अरे नींद आ रही है। अले नींद आ रही गंदी बच्ची को, हैं क्यों नहीं बनाई इसने? क्या इसे ढका दे, चाय दे रहा है। बच्ची भी तो गंदी है, रुक जा गंदी बच्ची, कल पूरी रात इसको ढकाते रहे, जो मजाल ढक ले लड़की है, गंदी बच्ची है। मेरे साथ छोएगी बच्ची? मेरे साथ छोने आएगी तू? छोटी बच्ची पिछले साल भी तो मेरे साथ छोई थी। कुछ नहीं है क्या खाने का? नमकीन होगी, देख ले उसमें। किसमें? बाल्टी में देख ले यार तू, नमकीन। मेरे गले में भी खिचखिच लग रही। चाय बना ले कुछ? चाय बना ले। बोल चाय कौन बना रहा है इस समय? रख देता हूँ चाय, वैसे मेरा चाय का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था, मम्मी कह रही तो बना देता हूँ। वैसे अगर मुझे बनी बनाई मिल जाती ना भाई तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, वो तो बस ये खुद बनानी पड़ी इसलिए मैं कह रहा हूँ मेरा मन नहीं था, लेकिन अगर बनी बनाई मिले ना तो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, ऐसा चलता है भाई मेरा तो। वो बनानी है तो इतना पानी डालो। ये मेरी आँख पर घुस गया, पता नहीं कैसे कर रहा था यार, आँख पर घुस गया मेरा तो यार, सगुर भी नहीं है मुझे बन करने का काम, इतना काफी है हमारे लिए अदरक। यहाँ पर ये नमकीन मिल गई भाई, तो चलो ये नमकीन खाई जाए। तू भी खाएगी मां नमकीन? भाई वैसे तो ठहरी है मेहमान वाली नमकीन, लेकिन काफी दिनों से मेहमान नहीं आए हैं ना, तो भाई साहब जानते हो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं खुद ही मेहमान बन जाता हूँ, अब नहीं आ रहे तो क्या करें, आप लोग आओ तो ये नमकीन खुले, वरना तुम्हारे भाई को ही खानी पड़ेगी। खानी है तो नमकीन, अगर नमकीन खानी तो हमारे घर आ सकते हो दोस्तों, स्पेशल टॉप सीक्रेट वाली नमकीन है। तो दोस्तों नमकीन वमकीन खत्म, पैसा हजम, ब्लॉग करना है मुझे आज समाप्त। तो दोस्तों वैसे नमकीन में थोड़ी दिक्कत ये हो गई थी क्योंकि एक डेढ़ महीने पहले वो पैकेट खुला था, मतलब जब श्राद्ध भी नहीं लगे थे उससे पहले से वो खुला था, तो हम लोगों ने खाया नहीं, श्राद्ध लग गए थे तो उस पर लहसुन प्याज होता है तो इसलिए नहीं खाया, उसके बाद नवरात्रि लग गई थी तो इतनी घटिया हो रही थी ना, जितने एक्साइटमेंट के साथ मैं लेकर गया था ना उतनी वाहियात हो रही थी भाई गोडो खाने में, तो मेरा तो भगवान की कसम मूड खराब हो गया उसको खा के। अगर नया पैकेट होता तो फ्रेश होती, और ऐसी नमकीन थोड़ा फ्रेश खाने में ही अच्छी लगती है ना, जब उनमें क्रंच आता है ना तब ज्यादा मजा आता है। तो दोस्तों व्लॉग तुम्हारा भाई यहीं पर समाप्त करता है, व्लॉग कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताना, व्लॉग पसंद आए तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना आपकी मर्जी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों, जय महाराज जी।